वैसे तो करीना फ्री फायर के पहले ही लगे पड़े हैं, फ्री फायर के फ्री फायर के प्लेयर्स के भी लगे पड़े हैं, और फ्री फायर के प्लेयर के फ्री फायर के यूट्यूबर्स के भी लगे पड़े हैं। अरे आखिर मेरे को ये बताओ किसके लगे पड़े नहीं है यार। छोड़ो ये सब बातें छोड़ो, क्या आपको बताया पुराने टाइम में फ्री फायर में कई सारे लेजेंड प्लेयर थे, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में हमारे करीना फ्री फायर कम्युनिटी से ऑलमोस्ट गायब से हो गए हैं। फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने फ्री फायर खेलना ही छोड़ दिया है। अब वो मेरे को नहीं पता फ्री फायर खेलना छोड़ा है नहीं, आप लोग आज की इस वीडियो में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो क्या करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर इंस्टा में फॉलो कर लेना। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, चैनल मेंशन करना यार जल्दी से सब्सक्राइब करो। और अगर आप लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो हमको फॉलो करना मत भूलिएगा। हाँ, एक और चीज, अगर आप जीटीएस की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जीटीएस के साथ काफी सारे अलग अलग गेम्स भी ट्राई कर रहा हूं, तो प्लीज सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। लेजेंड हु लेफ्ट फ्री फायर नंबर 3, थर्ड नंबर बंदा आता है, उनका नाम है अल्फा फ्री फायर। अगर आप इनके चैनल पर जाके देखोगे तो यहाँ पे आप रिसेंटली देख सकते हो कि इन्होंने एक जो वीडियो अपना वो एक मंथ पहले डाला था, और 3 हफ्ते पहले ये उन्हीं ने डाला है, या फिर कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो था, या किसने किसी चैनल को बेच दिया है। मतलब अल्फा ने अपने चैनल को बेच दिया, बेचा तो नहीं होगा, शायद वो स्पॉन्सर्ड वीडियो हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियर देखते हो कि अल्फा फ्री फायर ने यहाँ पे यूट्यूब क्विट कर दिया है। और बात करें अल्फा फ्री फायर खेलता है या फिर नहीं, तो भाई वो वीडियोस नहीं डाल रहा है, और उनका जो सारा का सारा चैनल है वो डिपेंड करता है उनके गेम प्ले पर। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, वो भाई वो बहुत ही फेयर प्लेयर है, पूरे हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में पीसी प्लेयर है, 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है सिर्फ उनके गेम प्ले की वजह से। 100% कंफर्म तो नहीं है कि अल्फा फ्री फायर ने गेम खेलना क्विट किया या फिर नहीं, लेकिन यूट्यूब जरूर क्विट कर दिया, आपका सामने जरूर सब चांसेस आर हाई कि उन्होंने फ्री फायर क्विट कर दिया है। अब रीजन ये है, ठहरे पीसी प्लेयर और वो पीसी में गेम प्ले रिकॉर्ड करके डाला करते थे। अगर भाई गेम खेलते थे अभी के टाइम पे तो भाई गेम खेल के चुपचाप रिकॉर्ड कर डालना ही तो रहता ना, बट वो गेम नहीं खेल रहे इसलिए तो वो यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड नहीं कर रहे। जैसे इंडियन सर्वर में पीसी प्लेयर्स को बैन किया, उसके बाद से भाई सबसे दिक्कत तो अल्फा फ्री फायर को ही होगी, क्योंकि वो एक प्योर गेम प्ले वाले बंदे थे। बहुत बड़ा रीजन ये है कि इन्होंने शायद फ्री फायर खेलना क्विट कर दिया, एंड यही एक मेरे को मेन रीजन लगता है। इन्होंने हमारे इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में गेमिंग को, जो फ्री फायर के गेम प्ले, उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। पहले के टाइम पे इनकी कम्युनिटी में नाम भी काफी जरूर हुआ करता, आप में से मैक्सिमम बंदे अल्फा को तो जानते ही होंगे। भाई मैं भी किसी लेजेंड से कम है, मां आई थी खटखट, अपुन है बॉडी शॉट की, अपुन हेड मारता ही नहीं, हेड सब मार देता है, बॉडी बॉडी मार के दिखाओ तो मैं मानू, अपुन है, अपुन है बॉडी शॉट लेजेंड। लेजेंड टू लेफ्ट फ्री फायर नंबर 2। अब जो सेकंड नंबर पे बंदा आता है, उनका नाम है राकेश 0007, 4×0 × 7। अब इनका यूट्यूब चैनल पे आप लोग देखो, पिछला वीडियो था वो 3 महीने पहले आया था, और उसके पहले जो वीडियो है वो 7 महीने पहले आया था। क्लियरली देख सकते हो कि भाई यहाँ पे वो यूट्यूब पे बिल्कुल एक्टिव नहीं है, उनको घंटा भर नहीं पड़ता यूट्यूब से। और अगर आप एक ओल्ड प्लेयर हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये एक मोबाइल प्लेयर है स्टार्टिंग से, बहुत ही फेमस प्लेयर थे पुराने टाइम के। पहले के टाइम पे राकेश 0007 को और राइस्टर को कंपेयर किया करते थे, राइस्टर से कंपेरिजन, अब समझ सकते हो कि भाई ये बंदा मतलब क्या चीज था, बवाल चीज था पहले के टाइम। और अगर कोई यूट्यूबर यूट्यूब क्विट कर रहा है तो रीजन यही होता है कि भाई वो गेम को क्विट कर रहा है, तभी जाके वो यूट्यूब को भी क्विट कर देता है। वो यूट्यूब क्विट क्यों करेगा भाई, अगर वो रोज गेम खेल रहा है तो यूट्यूब को क्विट क्यों करेगा? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इन्होंने गेम क्विट क्यों किया, इनका कोई पर्सनल रीजन भी हो सकता है। अब आई डोंट नो गाइस क्या हो सकता है इनके पीछे का रीजन। लेजेंड लेफ्ट फ्री फायर नंबर 1, एंड सच में जो नंबर 1 पे लेजेंड है वो डिजर्विंग है नंबर 1। एंड ये बंदा एक्चुअली एक बंदा नहीं है, बेसिकली एक पूरे गिल्ड की बात कर रहा हूं मैं, उनमें काफी सारे गिल्ड मेंबर है, काफी सारे ऐसे प्लेयर्स है पुराने टाइम पे जो किसी ओल्ड प्लेयर जानते हैं, और कुछ है जो इन्होंने फ्री फायर लेफ्ट कर दिया, कुछ है जो अभी टाइम पे गुमशुदा मतलब घूमे हो गए हैं, घूम गए हमारी कम्युनिटी से। अब देखो मैं गिल्ड का नाम लूंगा, बाकी आप खुद समझोगे कि छोड़ दिया कौन घूम गया हमारी कम्युनिटी से। मैं इस गिल्ड की बात कर रहा हूँ बॉस गिल्ड की। पुराने प्लेयर हो तो आपको पता होगा बॉस गिल्ड एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड गिल्ड है। अभी के टाइम पे शायद बॉस गिल्ड एक चुल्लू मुल्लू गिल्ड लगे आपको, भाई ये कौन था गिल्ड है करके, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे अगर कोई गिल्ड बॉस गिल्ड से है भाई फिनिश, मतलब ये बंदा है भाई बॉस गिल्ड है, साला खतरनाक भाई प्रो प्लेयर, ऐसे लोग बोला करते थे। पर्सनली मैंने पहले बॉस गिल्ड की काफी देर तारीफ की है जब मैं न्यू फ्री फायर प्लेयर था, सुनने में कई बार आता था ना। अब आप लोग मेरे को बताओ कमेंट में कि बॉस गिल्ड से किस किस बंदे ने फ्री फायर खेलना छोड़ा है, और कौन कौन मतलब टाइम पे लॉस्ट हो चुका है, मतलब एग्जिस्ट तो करता है हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में, गेम भी खेलता है, यूट्यूब भी एक्टिव है, लेकिन आज के टाइम पे लोग उसको उतना भाव नहीं देते जितना पहले दिया करते थे। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो भी कर लेना, और जीटीए वाले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे सर्च कर सकते हो विद मनीष यूट्यूब चैनल, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो तो मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे व्लॉगिंग चैनल को भी, तो व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे मैं फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ही गंदे वाले प्रैंक करने वाला हूं बहुत जल्द, तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।